वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि रजे, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीडिंग के पैटर्न बारे। जैसे कि रीडिंग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। जैसे कि रजे, जब जुलाई अगस्त का एग्ज़ाम देखते थे उसमें थोड़ा सा चेंज आ चुका है रीडिंग में। जैसे कि रजे, एक जैसे कि जो मंथ का स्टार्टिंग डेट होती, जैसे कि जो स्टार्टिंग डेट 7 अगस्त, 1 जुलाई, 4 सितंबर, जैसे कि रजे ये मंथ की स्टार्टिंग डेट थी, तो ये एग्ज़ाम देखा गया था रीडिंग का, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था, वो भी सिर्फ मॉर्निंग स्लॉट में। जैसे कि रजे मॉर्निंग स्लॉट में 7 अगस्त, 1 जुलाई, 4 सितंबर, इन तीनों डेट को मॉर्निंग स्लॉट में एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आया था एज़ कम्पेयर टू इवनिंग स्लॉट। जैसे कि रजे जो मंथ की सेकेंड डेट है, सेकेंड और थर्ड डेट है, वो सबसे बेस्ट डेट चल रही है। जैसे कि रजे फॉर एग्ज़ाम्पल 19, और जैसे कि रजे जो सितंबर में एग्ज़ाम होगा, जैसे कि 11 या 16, इनमें एग्ज़ाम बेस्ट होगा, क्योंकि ये जो लेवल पीछे वाले एग्ज़ाम देकर जो लेवल देखा जा रहा है, वो जो मिड में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है इजी। बाकी रजे आपकी प्रेपरेशन पर भी डिपेंड करता है। काफ़ी बच्चों को रीडिंग का लेवल इजी मॉडरेट लगता है, और दो से तीन बच्चे बोलते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था। तो एज़ कम्पेयर टू, तो ज़्यादातर बच्चे तो रजे यही बोल रहे हैं कि ईजी टू मॉडरेट, तो फिर मैं ईजी टू मॉडरेट ही बोलूँगी। बट अब जो मैंने खुद देखा है, जैसे कि रजे 4 सितंबर को मॉर्निंग स्लॉट में जो रीडिंग आई थी वो डिफ़िकल्ट आई थी। और राइटिंग टास्क की भी बात करें, जैसे कि रजे, सबसे पहले तो मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगी कि जो रीडिंग फाइनल एग्ज़ाम में रीडिंग आती है वो इन वेबसाइट में से आती है। जैसे कि मैं विद एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि 28 अगस्त को जो रीडिंग आई थी हिस्ट्री ऑफ फिंगर प्रिंटिंग, ये आई थी रजे आईएएस ऑनलाइन टेस्ट से। और जो सेकेंड रीडिंग पैसेज था बाईसाइकिल का, वो आया था आइल्स मिनी आइल्स डॉट कॉम से। इससे रजे कैम्ब्रिज का रीडिंग मटेरियल बनता है। और साथ के साथ जो थर्ड पैसेज आया था वो आया था हेल्थ इन द वाइल्ड, ये इस वेबसाइट में से आया था आइल्स फीवर से। जैसे कि रजे जो आगे मैंने देखा, 31 जुलाई को जो रीडिंग पैसेज आया था और 7 अगस्त को रीडिंग पैसेज आए थे, वो सारे आइल्स फीवर डॉट कॉम में से आए थे। और जो 24 जुलाई को रीडिंग आई थी वो आई थी आइल्स ऑनलाइन टेस्ट डॉट कॉम में से आई थी। ओवरऑल रजे मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि जो राइटिंग टास्क 1 आया था 7 अगस्त को, 4 सितंबर को, वो डिफ़िकल्ट आए थे मॉर्निंग स्लॉट में। जैसे कि मॉर्निंग स्लॉट में आया था मैप 7 अगस्त को, और इवनिंग में आया था प्रोसेस, और 4 सितंबर को मॉर्निंग में आया था मैप, और इवनिंग में आया था बार। जैसे कि रजे ये थोड़ा सा चेंज हुआ है रीडिंग के पैटर्न में। जैसे कि रीडिंग पहले क्या होता था, रीडिंग का जो, जैसे कि रजे जो पहले क्या होता था, जो मंथ की स्टार्टिंग में पहला एग्ज़ाम होता था उसका लेवल ईजी ही आता था। बट अब थोड़ा सा लेवल जो मंथ की स्टार्टिंग में आता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है, और बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है। बट जैसे कि लॉकडाउन से पहले की बात करें, तब तो रजे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स आते थे रीडिंग के, जैसे रीडिंग पैसेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आते थे एज़ कम्पेयर टू नाउ। जैसे कि अब थोड़ी सी रीडिंग पैसेज, अब थोड़े से नहीं रजे बहुत ज़्यादा इजी आ रहे हैं, जैसे पहले वाले तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। जैसे कि रजे ये सारी मैं चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। जैसे कि रजे राइटिंग टास्क के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे कि रजे ये सब चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप रजे आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।